हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये है 125 का इंजन जिसको हम रिबिल्ड कर रहे हैं। ये टाइम लैप्स में पूरा वीडियो होने वाला है, तो आपको फटाफट देखने को मिल जाएगा। और इसमें ट्विस्ट की बात ये है कि ये गाड़ी सर्विस सेंटर से मेरे पास रिटर्न आई है। सर्विस सेंटर वालों ने 12,000 का खर्चा दिया इसमें, और इसका कॉस्ट मैं लास्ट में बताऊँगा आपको कितना आया है। लोकल गैरेज और सर्विस सेंटर में कराने से कितना फ़र्क होता है लास्ट में मिलेगा ये वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगा। अभी बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते सुनते आप लोग वीडियो देखो, लास्ट में बताऊँगा कितना कॉस्ट आया और इस गाड़ी में क्या काम था आपको लास्ट में ही पता चलेगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। छोटा सा काम था, ज़्यादा बड़ा काम नहीं था, उसके लिए सर्विस सेंटर वालों ने 12,000 का खर्चा बताया था। तो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में, लास्ट में बने रहो वीडियो के साथ। क्या ख़राब था वो भी बताएंगे, थोड़ा सामान ख़राब था, तो आप लास्ट तक बने रहो, लाइक करना मत भूलना। तो इंजन हमारा पूरा रेडी हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हो। और इसका मैं बता दूं आपको क्या खराब था, तो इसका आउटपुट सॉफ्ट होता है, इसमें छोटा चाइनीज पॉकेट का चक्कर लगता है, इसको आउटपुट सॉफ्ट बोलते हैं। वो सॉफ्ट पूरी तरह से घस गया था, उसके लिए सर्विस सेंटर वालों ने 12,000 का खर्चा दिया था। भाई इस काम के लिए 12,000 खर्चा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताना। और इसका कॉस्ट लगभग 6,000 6,500 आया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जल्दी बताता नहीं ये सब आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अभी गाड़ी का साउंड सुनते हैं कैसा है। सो अभी कूलेंट वगैरह डाल दिया है और ढक्कन लगा दिया है, टंकी फिट कर दिया है,
और अभी सीधा इसमें देख सकते हो आप लोग कूलेंट डाल चुके हैं हम लोग। अभी सीधा पैक करते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके आपको आवाज़ सुनाते हैं। तो सब कुछ रेडी हो गया, अभी गाड़ी स्टार्ट की हमने और देखो यहाँ से कूलेंट लीकेज हो रहा है। तो भाई गाड़ी स्टार्ट करने के बाद गर्म करना गाड़ी को बहुत ज़रूरी होता है। इंजन फिटिंग करने के बाद जो छोटे मोटे प्रॉब्लम रहते हैं वो पता चल जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें कूलेंट लीकेज हो रहा है, तो इसको हम सही करेंगे। अभी ये चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है भाई। बहुत सारे लोग होते हैं इंजन फिट करके दे देते गाड़ी को, लेकिन ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी इसको सही करवाएंगे, उसके बाद सीधा मिलते हैं आपको आगे।